वेलकम टू माई न्यू वीडियो सो जैसे कि कल के इलस्ट्रेशन में आपने देखा था चेन बेज इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं होप uh, कि आपने आप सब ने वो इलेस्ट्रेशन सारे ट्राई किए हो गए और अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा इलेस्ट्रेशन uh, अब आज से नेक्स्ट इलेस्ट्रेशन चालू करते हैं तो इलेस्ट्रेशन नंबर सिक्स देखते हैं द डाटा अबाउट सेल ऑफ द थ्री ग्रेन फ्लोर वीट बाजरी एंड चना एट अ फ्लोर मिल फ्रॉम ईयर टू थाउजेंड इलेवन टू फिफ्टीन आर एस फॉलोज कंप्यूटर द जनरल इंडेक्स नंबर यूजिंग एवरेज विथ फिक्स बेस्ड मैथड टेकिंग बेस या टू थाउजेंड इलेवन एंड चेन बेस्ड मैथड स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे डेटा डेटा गिवन है हमें सेल किस का सेल कर रहे हैं इन लोग ग्रेन फ्लोर का कौन सा व्हीट बाजरा और चना का ओके okay? तो यहाँ पे ईयर क्या कहाँ से कहाँ तक का टाइम पीरियड है 2011 से 15 तक का यहाँ पे हमें जनरल इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है मतलब जनरल इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है और पर जनरल इंडेक्स नंबर दो मेथड से यहाँ पे हमें कंप्यूट करना है पहला मेथड है फिक्स्ड बेस और दूसरा मेथड चेन बेस ओके यहाँ पे फिक्सड बेस मैथड आपको पता है और चेन बेस मैथड भी आपको पता है मैंने आगे इलेस्ट्रेशन समझा है उससे अब फिक्सड बेस मेथड में हमें बेस ईयर कौन सा लेना है टू थाउजेंड इलेवन ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं सम चालू करने से पहले ये देखिए आप ये है आपका क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है टू थाउजेंड इलेवन का डेटा ये ट्वेल्व का थर्टीन फोर्टीन या फिफ्टीन आपको सारे ईयर के ये डेटा गिवन है ओके आ, तो यहाँ पे हमें जनरल इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना होता है तो जनरल इंडेक्स नंबर का फार्मूला कुछ अलग रहता है तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो फार्मूला कैसा रहता है तो देखते हैं कि पहले फार्मूला मैं आपको बुक में बताती हूँ स्टूडेंट्स जनरल इंडेक्स नंबर का फार्मूला ये होता है जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन पी वन अपॉन पी जीरो होल डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ओके स्टूडेंट्स तो ये फार्मूला हो जाता है आपका जनरल इंडेक्स का इसमें जो आपका एन रहता है वो टोटल नंबर ऑफ ईयर रहता है ये इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हो जाता है आपका जो आपको फिक्स्ड बेस में भी यही फॉर्मूला होता है चेन बेस में भी यही फॉर्मूला होता है बस आपको पी वन और पी ज़ीरो ध्यान रखना है उसमें बेस ईयर सबसे पहले ध्यान रखना है बिकॉज ये जो बेज ईयर है चेन बेज में हर प्रिसिंग ईयर को बेज ईयर माना जाता है और फिक्सड बेज में जो गिवन ईयर रहता है जो गिवन टाइम पीरियड दिया रहता है बेज ईयर के लिए वही लिया जाता है और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो आपका जनरल इंडेक्स नंबर कम्प्यूट करके आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जनरल इंडेक्स नंबर बड़े सम्स में ऐसे कैलकुलेट करते हैं पहले हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे सबका धन टोटल uh, करके उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर करेंगे तो इससे है ना हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है तो आइए मैं आपको अभी सम दिखाती हूँ पहले हम देखेंगे बुक में कि Uh, कैसे सम सॉल्व किया है तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा देन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी बताऊंगी ओके okay? तो देखते हैं हम बुक में ओके okay, स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जैसे डेटा गिवन है आपको यहाँ पे सबसे पहला मेथड बोला गया है फिक्स्ड बेस से कैलकुलेट कीजिए तो हमें फिक्स्ड बेस से कैलकुलेट करना है और बेस ईयर कौन सा लेना है 2011 तो देखते हैं देखो फिक्स्ड बेस आ, इंडेक्स नंबर क्या है वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस पीरियड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ओके सो यहाँ पे ये आंसर uh, है यहाँ पे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर से जनरल इंडेक्स नंबर कम्प्यूट किया है मैंने जो जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बताया आप उससे भी डायरेक्टली कर सकते हो बट ये अगर आपको डेटा ज्यादा अगर बड़ा हो जाता है आपका सम तो आप इस वे में बहुत इजीली फाइंड करके आप निकाल सकते हो आंसर ओके यहाँ पे पहले टोटल करके डायरेक्टली यहाँ जनरल इंडेक्स नंबर कंप्यूट कर सकते हो सो so, देखिए अभी हमें 2011 थाउजेंड एज अ बेस ईयर लेना है ओके तो हमारा बेस ईयर का हंड्रेड कैसे आएगा सबसे पहले जो करंट ईयर अपॉन बेस ईयर तो यहाँ पे बेस ईयर हमारा कौन सा था टू पर हम करंट ईयर भी 2011 ही काउंट करेंगे सबसे पहले तो 40 अपॉन ऑन फोर्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड देखिये क्वेश्चन में यहाँ पे है फोर्टी गिवन है तो फोर्टी डिवाइडेड बाई फोर्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा हंड्रेड सेम एज टू थाउजेंड ट्वेल्व में तो हमें बेस ईयर तो फोर्टी लेना है और करंट ईयर का जो डेटा है वो लेंगे हम करंट ईयर का डाटा क्या है फोर्टी सिक्स यहाँ पर हमने लिया फोर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो आएगा आंसर हंड्रेड एंड फाइव इसी तरीके से हम सारा कैलकुलेट कर लेंगे पहले हमने तीनों का हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेट करने के बाद सिंपली क्या करना है हमें टू थाउजेंड इलेवन का टोटल करना है व्हीट बाजरा एंड चना इन तीनों का टोटल तो हंड्रेड 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 तीन आइटम है हमारे पास तीनों आइटम का टोटल किया तो कितना आया थ्री हंड्रेड से सिमिलरली हमें यहाँ पर भी सारे ईयर में तीनों आइटम का हमें एडिशन कर लेना है और सब में टोटल निकाल लेना है तो ओके okay, यहाँ पर हमारा 2011 में 300 आया ओके तो जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है समीशन P1 वन अपॉन पी जीरो एन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड अभी एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ईयर ओके या फिर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो भी आपको यहाँ पे दी गई होगी रो में वो आपका नीचे लिया जाएगा तो यहाँ पे एन कितने आइटम्स गिवन है व्हीट फ्लोर बाजरी एन चना फ्लोर तो यहाँ पे तीन आइटम है तो हमारा एन क्या हो जाएगा थ्री ओके okay? और यहाँ पे इंडेक्स नंबर हमने निकाला एवरी ईयर का तो फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या आया हमारा थ्री हंड्रेड टोटल किया तो थ्री तो हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री कितना आएगा हंड्रेड सिमिलरली हम सेकेंड ईयर का फाइंड करेंगे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सारे ईयर का हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे देखिए आप देख सकते हो ओके okay? आपका ये लास्टली सारे ईयर का जनरल इंडेक्स नंबर कंप्यूट होके आ जाएगा यहाँ पे हमने डायरेक्टली एंड से डिवाइड किया है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड नहीं किया है बिकॉज हमने पहले इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते वक्त यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड किया है तो ऑलरेडी वो कैल्कुलेट होके ही ये आंसर्स आए हैं सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे जनरल इंडेक्स में वापस से मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड नहीं किया सो होप कि ये इलस्ट्रेशन क्लियर हो गया एक बार और क्लियर करने के लिए मैं आपको ये खुद से सॉल्व करके बताती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको थ्री ईयर का कैलकुलेट करके बता रही हूँ ओके okay? मैंने आपको इलेक्ट्रेशन में वहां पे 2011 से लेकर 15 तक का दिया है पर यहाँ एज ए एग्जाम्पल मैं आपको टू थाउजेंड तक करके बताती हूँ कि कैसे किया जा रहा है ओके okay? तो यहाँ पे 2014 में जो है वो आपको डेट क्वेश्चन में क्या गिवन था? Uh, okay? था 40 ओके यहाँ पे डेटा गिवन था 40 ओके तो ये हमारा करंट ईयर हो गया 40 और बेस ईयर हमें टू थाउजेंड को बेस ईयर लेना था तो बेस ईयर का क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो आपका आंसर क्या आएगा 100 ओके okay? सिमिलरली 2012 में 2012 में आपका करंट ईयर का जो डेटा है वो कितना गिवन है 46 पर आपको फिक्स बेस मेथड के थ्रू बेस ईयर क्या लेना है 2011 को 2011 का क्या था 40 ओके okay? तो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो बेस ईयर इसमें हमारा सेम रहेगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका हंड्रेड एंड फिफ्टीन सिमिलरली टू थाउजेंड थर्टीन का अगर देखेंगे तो थर्टीन का डेटा है हमारा फिफ्टी होल डिवाइडेड बाई बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो इसका आंसर कुछ आएगा वन ट्वेंटी फाइव ओके तो इसी तरीके से हम बाजरी का भी निकालेंगे तो पहला पहला क्या है पहले डेटा है उसका ट्वेंटी ट्वेंटी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कितना आया आंसर हंड्रेड आएगा सेकेंड टू थाउजेंड ट्वेल्व का अगर हम देखें तो उसमें आपका डेटा गिवन है थर्टी तो बेस ईयर हमें टू थाउजेंड इलेवन का ही लेना है तो ट्वेंटी ही बेस ईयर लेना होगा बाजरी के लिए तो ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो इसका आंसर आएगा आपका वन फिफ्टी ओके okay. सिमिलरली हम 2013 का कैलकुलेट करेंगे तो 2013 का डेटा है आपको 36 सिक्स डिवाइडेड बाई बेज ईयर आपका रहेगा 20 मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 180 ओके okay. सिमिलरली आपको चना फ्लोर का भी आपको कैलकुलेट कर लेना है मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ यहाँ पे चना चना फ्लोर का जो करंट ईयर है वो यहाँ पे कितना गेवन है 50. ओके होल डिवाइडेड बाय बेस ईयर 2011 का लेना है तो 11 में इस आइटम का क्या है 50 गिवन है प्राइस तो आपका बेस ईयर भी क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 100 तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 100 सिमिलरली 2012 का अगर देखें तो 2012 का करंट ईयर जो है वो 40 प्राइस थी और बेस ईयर में क्या लेंगे हम फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो क्या आ जाएगा आंसर इसका वन एट सिमिलरली हम नेक्स्ट ईयर का देखेंगे तो एटी इसका डेटा है प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो इसका कुछ आ जाएगा आंसर वन सिक्सटी ओके अब ये आप सबको आंसर आ गए हैं तो आंसर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है आपको इसके टोटल करने है तो आप टोटल करोगे तो आया यहाँ पे थ्री हंड्रेड यहाँ इसका टोटल करने पे आ जाएगा थ्री नाइन्टी थ्री और इसका टोटल करने पे आ जाएगा फोर सिक्सटी फाइव ओके अब ये टोटल मिलने के बाद आपको जनरल इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है जनरल इंडेक्स नंबर बहुत इजीली कंप्यूट हो जाता है जो आपने टोटल किया होता है डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स कितने आइटम है आपके पास वन टू एंड थ्री आपके पास थ्री आइटम गिवन है तो टोटल आपका कितना आया थ्री आइटम का इंडेक्स नंबर थ्री तो थ्री डिवाइडेड बाय थ्री कितना आंसर आएगा हंड्रेड यहाँ पे थ्री डिवाइडेड बाय थ्री आइटम्स तो आंसर कितना आएगा आपका वन थर्टी वन यहाँ पे फोर सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई थ्री आंसर आ गया वन फिफ्टी फाइव ओके तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे मैंने पहले भी बताया कि जनरल इंडेक्स नंबर में मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड नहीं आएगा क्योंकि हम इंडेक्स प्रडिट करने की जरूरत नहीं है ओके okay? यहाँ पे वो प्रोसेस ही नहीं आएगा यहाँ पे यह आपको डायरेक्ट कंप्यूट करना है जो कि अगर सिंपली आपको एक डेटा गिवन हो और उसका इंडेक्स नंबर जनरल इंडेक्स फाइंड करना हो तो आपको इस मेथड से फाइंड करना होगा ओके okay, इस मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हो और अगर ज्यादा का कैलकुलेशन हुआ तो आप ये मेथड प्रिफर करना ये ज्यादा इजी मेथड है स्टूडेंट्स वो तो था फ़िक्स्ड बेस मेथड का अब वही सम का हम देखेंगे चेन बेस मेथड तो से सिमिलर ही है हमें जनरल इंडेक्स नंबर तो कैलकुलेट करना है सिमिलरली जैसे हमने कैलकुलेट किया एट लास्ट मैंने सॉल्व करके बताया हमें टोटल जो रहता है उसमें से डिवाइडेड uh, बाय जितने भी आइटम्स रहते हैं उसको डिवाइड uh, करना है ओके okay? तो जनरल इंडेक्स नंबर सेम एज फॉलो कैलकुलेट करना है बट यहाँ पे जो चेंज आएगा वो सिर्फ चेन बेज में चेंज uh, करना है जैसे कि ये चेन बेज इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट करना है तो इसमें जो बेज ईयर है वो चेंज हो जाएगा एवरी प्रिसीडिंग ईयर को बेस ईयर माना जाएगा अभी जैसे कि 2011 है तो 2011 में uh, 40 उसका प्राइस है तो 40 करंट ईयर का प्राइस और अपॉन बेस ईयर का प्राइस भी 40 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो इसका आएगा आंसर 100 सिमिलरली 2012 में अगर करंट ईयर का प्राइस 46 है तो बेस ईयर का कितना हो जाएगा प्रिसडिंग ईयर फोर्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अभी यहाँ पे करंट ईयर फिफ्टी है ओके okay? तो बेस ईयर का प्राइस मतलब बेस ईयर एक ईयर प्रिस होता है तो प्रिस में फोर्टी सिक्स है एक ईयर प्रिडिंग आप क्वेश्चन में देखते जाना देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको ये क्वेश्चन है तो अगर आप ये ईयर का डेटा लेते हो तो एक ईयर प्रिसडिंग वाला बेस ईयर बन जाता है तो फोर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय फोर्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अगर आपने फिफ्टी लिया तो फिफ्टी और एक ईयर प्रीसीडिंग मतलब फिफ्टी डिवाइडेड बाय फोर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सिमिलरली अब टू थाउजेंड फोर्टीन करेंट ईयर लेते हो तो फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आप देख सकते हो आगे इसी तरीके से कैलकुलेट किया गया है ओके चेन बेज इंडेक्स नंबर देख सकते हो आप यहाँ पे अच्छे से इसी तरीके से सारा कैलकुलेट आपको किया गया है यहाँ पे देख लीजिए आप अच्छे से सिमिलरली जैसे हमने फिक्स्ड बेस से किया बस इसमें एक ही चेंज है इसमें बेस ईयर चेंज होएगा सिर्फ तो बेस ईयर चेंज जैसे होगा तो ये हमारे जो डेटा है वो भी चेंज हो जाएंगे और डेटा की वजह से हमारा जो ये आउटपुट निकल के आता है टोटल का ये टोटल थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे इसलिए यहाँ नीचे भी जनरल इंडेक्स नंबर थोड़ा कोई चेंजेस नहीं है जनरल इंडेक्स नंबर भी सिमिलरली वैसे ही निकालना है टोटल अपॉन थ्री uh, अभी ये थ्री एन एन लेना है यहाँ पे क्योंकि आपको एवरी टाइम यहां पे आपको थ्री नहीं आएगा यहाँ पे जितने भी आइटम्स रहेंगे उसका टोटल यहाँ पे लिखा जाता है स्मॉल एन में ओके okay? ये आपका नेक्स्ट सम है क्या बोलना चाहता है ये द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल अबाउट द क्राइम्स इन अ सिटी फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर बाय द फिक्स्ड बेस मेथड कंसीडरिंग द ईयर 2010 स्टूडेंट्स यहाँ पे भी जनरल इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है ये आपको डेटा ऑलरेडी गिवन है से से आपको फिक्स्ड जनरल इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है बेस मेथड और यहाँ पे बेस ईयर भी गिवन है आपको 2010 स्टूडेंट्स आप ये जो सम है वो आप बुक में कैलकुलेट कीजिएगा मैंने अभी जो सम दिखाया उसी के बेस पे है ये पूरा वैसे ही सेम टू सेम कैलकुलेट होगा ये उसका आंसर है देखो इसी तरीके से कैलकुलेट होगा बेस ईयर यहाँ पे कितना गिवन था 2010 मतलब 129 पहले जो है पहले क्राइम जो हुआ है मर्डर का उसमें बेस ईयर 129 है तो सारा भी कैलकुलेशन होगा उसमें जो बेस ईयर रहेगा वो 129 रहेगा सेकेंड में 48 है तो सारे में बेस ईयर क्या हो जाएगा 48 थर्ड 830 है तो सारा बेस ईयर क्या हो जाएगा 830 देखो यहाँ पे नीचे गिवन है ओके okay? आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये वाला सम मैं नहीं कराऊंगी आप ये खुद से आप थोड़ा कर, करने की ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं वापस से एक लेक्चर बनाऊंगी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी ये ओके okay? ये सॉल्यूशन अब ये आती है ये आपकी एक्सरसाइज ओके okay, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज में सारे सम जो मैंने कराए है वो सारे इजी है ये आप देख सकते हो देखो सब में फिक्स्ड बेस मेथड चेन बेस मेथड से ही फाइंड करना है ओके okay. तो आप ये एक्सरसाइज भी एक बार कर लीजिएगा पूरी ये आपका एनसीईआरटी सी टी बुक में है एक्सरसाइज ओके okay. और अगर नहीं है तो आप मेरे वीडियो से स्क्रीन ले सकते हो सम का मैं एक एक वीडियो होल्ड कर एक एक क्वेश्चन होल्ड कर रही हूँ फाइव सेकेंड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो